गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई एम मिस्टर महेंद्र सिंह गौतम फ्रॉम डैफोडिल स्कूल्स। एंड कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड डूइंग वेल एंड बेस्ट एट होम। एंड प्लीज़, दैट इज जस्ट इन आवर स्टडी टाइम एंड आई थिंक यू शुड स्टार्ट योर स्टडीज। देखो, अभी स्टडी टाइम है, आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। और बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है हमने एक्चुअली। अब वो टाइम हैज एंड कम टू द टाइम विच नाउ शुड बी स्टार्ट द स्टडीज। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे इज जस्ट रैशनल नंबर। ओके, और इससे पहले बिफोर इट आई हैव जस्ट एंड टोल्ड यू, मैं आपको बता चुका हूँ कि रैशनल नंबर्स का एडिशन, रैशनल नंबर्स आई मीन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, हमने सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। आई थिंक ये लास्ट चैप्टर है हमारे इस टॉपिक, सॉरी लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, हाउ टू जस्ट एंड फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन जस्ट एंड टू गिवन रैशनल नंबर। आई मीन दो रैशनल नंबर आपको दी हुई है, उनके मिड की रैशनल नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई थिंक यू रियली टेक एंजॉय। तो और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन बनता है। और इट्स रियली वेरी interesting to learn about this, to teach about this. Okay, now let's start it. First of all, how to just and find the rational number between this and two rational number. Okay, but I have just told you about addition of rational number. Yeah, I think same as it is uska hi hai, I think. तो इसमें first condition हमारे पास ये आती है कि आप अगर आप rational numbers find कर रहे हो between this and two given rational number, तो first condition आती है कि denominators are equal. जैसे एग्जाम्पल देखे 6/11 एंड 10/11, अब यहाँ पे देख सकते हो कंडीशन है कि डेनोमिनेटर अगर आपके किसी भी दो फ्रैक्शंस है या रैशनल नंबर है, उनके मिड की अगर हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, रैशनल नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं, उनके जो दोनों डेनोमिनेटर्स हैं अगर वो इक्वल है, तो वहाँ पे रैशनल नंबर फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो जाता है, बिकॉज आप नॉर्मली बता सकते हो। आई थिंक सो एवरी वन जस कैन टेल यू अबाउट दिस की what the rational number between these following number, understand? कोई भी बता देगा, एक बच्चा भी बता सकता है कि यार 6/11 एंड 10/11 के मिड की रैशनल नंबर है कौन कौन सी होंगी। ओके, तो 6/11 और 10/11 के मिड की रैशनल नंबर कुछ नहीं करना है, एज इट इज 7/11, 8/11, 9, कौन कौन से नंबर आते हैं मिड में, 7, 8, 9, तो दीज आर दिस 10 रैशनल नंबर बिटवीन 6/11 एंड 10/11। तो ये तो था हमारा कि हाउ टू जस्ट फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन जब व्हेन डेनोमिनेटर्स आर इक्वल, जब आपके डेनोमिनेटर्स है वो इक्वल होंगे, उस कंडीशन में हमको रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करनी है, ये तो वो था। लेकिन अगर हम आगे बातें करें, आगे जो है हमारा वो कंडीशन ये आती है कि डेनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल, जब आपके डेनोमिनेटर्स है वो आपके इक्वल नहीं होंगे, तो हाउ टू जस्ट फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर, उस कंडीशन में आपको किस तरीके से रैशनल नंबर फाइंड आउट करनी है। तो कम ऑन, लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड लुक, हैव अ लुक, 1/3 एंड 3/4, ओके, दीज आर जस्ट टू रैशनल नंबर। एंड नाउ कम ऑन, लेट्स जस्ट फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन दिस रैशनल नंबर। ओके, हम इन रैशनल नंबर के मिड की रैशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है मैं बता दूँ। देखो, आपने यहाँ पर सीखा कि यहाँ पे देखो कितना इजी था, आपने देखा कि डेनोमीटर्स इक्वल थे, तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, 1/3 एंड 3/4 है, तो हमको यहाँ पे भी डेनोमीटर्स को क्या करना है, इक्वल करना है। फर्स्टली हमारा मोटिव होगा कि हमको डेनोमीटर्स को इक्वल करना है कैसे भी करके, क्योंकि जब अगर डेनोमीटर्स इक्वल हो जाते हैं तो आई थिंक आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हाउ टू जस्ट सेंड चेंज इन टू इक्वल डेनोमीटर्स, वो कैसे करते हैं, तो मैंने आपको एडिशन में भी बताया था पहले, आई थिंक इसको मैं बता चुका हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन दोनों डेनोमीटर्स का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और 3 और 4 का एलसीएम आई थिंक एवरी वन नोज 12 होगा। अब हमको इस 12 को, जो दोनों डेनोमीटर्स है उनको चेंज करना है इन टू जैसे दिस एलसीएम, जो एलसीएम हमने ऑप्टेन किया है इसमें चेंज करना है। तो मुझे इस 3 और 4 को, पहले इस 3 को किसके इक्वल बनाना है, 12 को इक्वल बनाना है, ठीक है? तो 12 के इक्वल बनाने के लिए 3 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बताइए आप। आई थिंक 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 12 हो जाए, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। ध्यान रखना बेटा, अगर आप नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको ऊपर भी एज इट इज 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज मैथमेटिक्स है, दोनों उनको पार्ट्स को हमको
इक्वल करना होता है, आई मीन इक्वल तरीके से 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पे किया है तो ऊपर भी आपको 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। तो ये हो जाएगा आपका 4, 1 by 1 मल्टीप्लाई 4 तो 4, और 3 मल्टीप्लाई बाई 12 हो गया ना 12, ओके। तो कम ऑन जस्ट लेट्स नाउ सी गो अहेड, इट्स 3 by 4 एंड 3 by 4 को भी ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई करना है, 3 by 4 है, 4 को आपको 12 के इक्वल करना है। तो टेल मी दिस नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, आई थिंक 4 जस्ट मल्टीप्लाइड बाई 3 वी गेट 12, एज इट इज आपको ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना है तो वी गॉट 9। हमारे पास देखो 4 by 12 एंड 9 by 12 डायनोमीटर सेम है, तो आई थिंक यू कैन जस्ट फाइंड अ वेरी इजिली वे हाउ रैशनल नंबर बिटवीन दोज फॉलोइंग नंबर, ओके। 4 by 12, 9 by 12, तो आई थिंक बहुत इजी होगा फाइंड आउट करना रैशनल नंबर्स को। देयर फॉर 4 रैशनल नंबर्स आर 5 by 12, 6 by 12, 7 by 12, 4 by 12 और 9 by 12, 5 by 12 है, 6 by 12 है, 7 by 12 है, 8 by 12 है, ओके, सच दैट तो इनके रैशनल नंबर हो जाएगी आपके 4 रैशनल नंबर, ओके। दैट्स आर टॉपिक हाउ टू जस्ट फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर, ओके। इसमें एक मेथड और है, मान लगे वो या अर्थमेटिक का मेथड है, तो बहुत ही इजी टॉपिक है, कोई हार्ड नहीं है। आई थिंक ऐसी चीज़ें हम पहले भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो बेटा आई थिंक आई होप जस्ट एंड आप बहुत आपको सब समझ में आ रहा होगा। और दूसरी चीज़ कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और प्लीज़ आप जब भी पढ़े एंड व्हेन जब यू वॉच दिस वीडियो प्लीज़ जस्ट एंड कीप योर बुक बिसाइड यू, बिकॉज आप भी जानते हो बिना बुक के आई थिंक हो सकता है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम आए, बट आपको साथ में बुक भी रखनी है, अंडरस्टैंड, ओके। नाउ दैट्स इट, दैट्स आवर टॉपिक, एंड कल बी टुमारो विल जस्ट टॉक अबाउट अदर सेशन, ओके, विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमारे स्कूल में आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या स्कूल में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टाइम निकाल के, ओके। सी यू लेटर, बेस्ट ऑफ लक।